नमस्कार मैं उदय प्रताप सिंह आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स और 2023 की शुरुआत हो रही है जी हाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म के जरिए जो आ रही है Z5 पे मैं बात कर रहा हूँ छतरी वाली के बारे में जी हाँ आप भी सोचेंगे कि मैं छतरियों के बारे में, हाँ में क्यों बात कर रहा हूँ मानसून तो कुछ समय दूर है मगर ये एक अहम कहानी है और छतरी वाली का महत्व क्या है ये भी जानेंगे हम इस इंटरव्यू के जरिए जोरिंग आज टुडे आर द लीड

तो तैयार रखिए एंड दैट्स वाई ये साल के शुरुआत में हो रहा है बट आई थिंक यू नो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई दैट इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि कभी uh, कोई बात नहीं करता है अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ नॉट यूजिंग प्रोटेक्शन पीपल स्टिल टॉक इन हर्ष हर्ष वे कि ठीक है प्रोटेक्शन बट बट व्हाई व्हाट आर द इल इफेक्ट्स कि uh, एक औरत को यू uh, नो you know, अगर बाय uh, चांस एक अनप्लान uh, uh, प्रेगनेंसी हो जाए So, the abortion is so physically traumatic, mentally traumatic, mm -hmm. uh, emotionally traumatic. Mm -hmm. um, and how many abortions can a woman's body take? Yeah. Scientifically, we never speak about it. But mm -hmm. actually, if I'm not mistaken, two or three max? Two. two. Max three. Medical yeah. says, med 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 the medicinal science says, mm -hmm. not more than two abortions. But okay. I guarantee that. Three out of five women would have had more miscarriages or abortions uh, than that, yeah. uh, just because we are not careful, uh, and the kind of effect it gives on your health mm -hmm. as you grow older, mm -hmm. or you know when you reach your menopausal ages, mm -hmm. but there are a lot of problems. Mm -hmm. So I just felt that education. एज़ एन एंगल इज सो इंटरेस्टिंग और ये करना चाहिए बिकॉज इट्स नॉर्मल ये uh, हमारी एग्जिस्टेंस का सच है ये बायोलॉजिकल सच है एंड uh, बहुत ही एंटरटेनिंग वे में ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी सो सो दैट्स वॉट एक्साइटेड मी द मोस्ट कि आप एक बात कह सकते हैं एंटरटेनिंग वे में uh, और होप uh, होप कर सकते हैं कि लोगों को uh, कुछ यू नो एक चेंज आए नहीं आपने बहुत सही बात कही और uh, Uh, सबको पता है कि भारत इतना पॉपुलेटेड कंट्री है मगर फिर भी हम दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाले मगर फिर भी बात नहीं करनी इस टॉपिक के बारे में uh, मगर जब आप जैसी uh, बड़ी यू नो एक्ट्रेस भी आती हैं ऐसे प्रोजेक्ट के संग इस मैसेज के जरिए तो यू रीच मोर पीपल यू नो समाइम्स फिल्म एंटरटेन एंड दे पुट द टॉपिक फ विच पॉलिटिशियंस और टीचर्स और यू नो अदर पीपल कै नॉट पुड क्रॉस तो ये भी आपके जहन में था जब आपने प्रोजेक्ट को साइन किया uh, कि लेट यू नो इट इज़ अ टबू टॉपिक बट इट्स इंपॉर्टेंट यू नो फॉर एन एक्ट्रेस लाइक यू ऑल्सो टू डू अ रोल लाइक दिस विच यू आर डूइंग जैसे मैंने आपको पिछली uh, बार भी कहा था कि आप बहुत ही वेरिड जॉनरर्स को uh, बड़ी बरखूबी से निभा रही हैं थैंक यू थैंक यू फॉर दैट लेकिन ऐसा कुछ ख्याल नहीं था नहीं। मेरे दिमाग में कि लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं करूं मुझे ये स्क्रिप्ट पसंद आई मुझे ब्यूटी ऑफ द तो स्क्रिप्ट ये लगी कि जब आप कोई टैबू टॉपिक को एड्रेस करते हैं तो आपको बहुत सेंसिटिवली एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है और उसी टैबू टॉपिक पे आप एक्सप्लिसिट होना बहुत आसान है बट उसको फैमिली एंटरटेनर बनाना उतना ही मुश्किल है सो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज़ टू तेजस सर फॉर फोक ब्रिंगिंग दैट स्क्रिप्ट टू मी जहाँ पर आ, ये एक एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म है मतलब मैं ये फिल्म अपने पेरेंट्स के साथ देख सकती हूँ एक भी डायलॉग एक भी सीन क्रिंजवर्दी नहीं है ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट है सो आई जस्ट फेल्ट कि ये अच्छा रोल है uh, और एंटरटेनिंग फिल्म भी है और उसके ज़रिए अगर जैसा मैंने कहा कि अगर दस लोगों की भी सोच बदल जाए और दस लड़कियों की भी लाइफ बेटर हो जाए तो वट बेटर यू नो दैन दैट जी, जी। तेजस आप बताइए इस इस कहानी के बारे में और आ, ये टॉपिक जो है और इस ये पहले भी छुआ जा चुका है इंडस्ट्री में मगर आपको क्यों लगता है कि छतरी वाली ओन प्रोजेक्ट से अलग क्यों है देखिए पहले की फ़िल्मों की अगर मैं बात मतलब वो कॉन्टेक्स में बात करूँ तो मुझे लगता है जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जितनी भी फिल्में बनाई जाए या जिस भी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन बाहर लाई जाए वो कम है ठीक है तो मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म रिपीट है या कुछ है इसका अपना अलग एस्पेक्ट है हम लोग इसका पर्सपेक्टिव अलग तरीके से ले आए हैं और मुझे लगता है कि ये आज तो बहुत ही ज़रूरी है इसलिए क्योंकि हम यहाँ से आगे जाने वाले वो इिवर्सेबल प्रोसेस में जा रहे हैं जी। जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो पॉपुलेशन बढ़ने में बहुत सारी चीजों का आ, मतलब वो इंक्लूडेड है उसमें जैसे पॉपुलेशन से दूसरी चीज़ों पे फर्क पड़ता है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ पे भी उसका असर होता है और हम लोग वो सारी चीजें भी इसमें कवर कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम जैसे रकुल ने कहा हम दवाई देने की जब बात आती है ना तो बच्चों को बहला फुसला के कहानियाँ सुना के उनको दवाई देते ताकि वो दवाई कड़वी भी हो थोड़ी तो कड़वी ना लगे तो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं हम दवाई देने के लिए वैसे तो निकले नहीं है लेकिन हमारे पास एक दवाई भी है तो हम बड़ी मस्ती से हम उनको बड़ा अच्छा एक अच्छी कहानी सुनाना चाहते हैं और जिसके बीच में अगर उन्होंने दवाई ले ली तो बहुत अच्छी बात है और आपको लगता है स्टार्टेड आपको फीडबैक आ रहा होगा जब ट्रेलर uh, लॉन्च yes, हुआ यस यस एक्चुअली मैं सच कहूँ मुझे ना ट्रेलर से पहले एक हल्की सी नर्वसनेस तो होती है कि लोग कैसा रिसीव करेंगे बिकॉज ट्रोलिंग भी बहुत होती है चीज़ें भी बहुत होती हैं बट आई वॉज वेरी सरप्राइज कि सोशल मीडिया लार्जली जहाँ से आपको एक रिएक्शन पता चलता है या यूट्यूब कॉमेंट्स लार्जली एवरीथिंग वॉज वेरी सपोर्टिव मतलब आई एम सेंग लार्जली मतलब नाइन्टी नाइन परसेंट की लेवल तक वेयर लॉर्ड ऑफ विमेन आई थिंक हैव रिस्पोंडिड सेंग कि ये बहुत जरूरी है लॉर्ड ऑफ मैन हु अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस और और हम लोग दो इवेंट्स में भी गए जहाँ पर मतलब यू नो लार्ज क्राउड अड्रेस हुए एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई नोटिस कि

सो आई डोंट इवन नो कि द वर्ल्ड शी कम्स फ्रॉम वहाँ पर कितनी uh, लड़कियों को या औरतों को अवेयरनेस है वेदर देर इवन नो ऑफ समथिंग नोन एज प्रोटेक्शन यू नो सो आई वॉज वेरी फॉर मी दैट फीडबैक वॉज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और जैसे आप कह रहे हैं कि कॉन्वर्सेशन uh, तो होते हैं सपोज बिटवीन फ्रेंड्स मगर पूरे परिवार के संग ऐसा टॉपिक टच करना हो जैसे आप कह रहे हैं कि पूरा परिवार जा सकता है Absolutely. इस फिल्म को देखने तो वही बहुत बड़ी बात होगी इफ़ द होल फैमिली गोज एंड वॉच इट एंड कम्स आउट विद मैसेज

मे बी रादर दैन फोसफुल आप वही कह रहे हैं कि सु, लोग सुधर सकते हैं प्रोटेक्शन के ज़रिए आपने अबोशन को भी एड्रेस किया है तो जितना अवेयरनेस बढ़ेगा

अगर उनकी हेल्थ में कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो पूरी परिवार पे उसका असर होता है तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ इट्स नॉट ओनली वन साइड नो वन साइड ऑफ द कॉइन द मैन ऑल्सो नीड टू हैव द सेम अवेयरनेस तो हम उंगली उठाने से ज्यादा हम हाथ बढ़ा रहे हैं कि भाई ज्वाइन करो आपकी गलती है नहीं है हम नहीं। ये नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं इसमें एक साथ आइए एक पैर होती है कपल होता है उसमें मेल फीमेल दोनों की जिम्मेदारी है वो ना ही आप बात कर पाती है ना ही मे बी मेल मेंबर कभी कभार इंटरेस्ट लेता है इन सब चीजों में और अगर मेल मतलब... मेंबर बीमार हो जाता है तो फिर तो पूरा घर ही उस, उसके देखभाल में लग जाता है मतलब अगर औरत को प्रॉब्लम है तो क्या तुम्हारी वाली प्रॉब्लम लेकर बैठ गई हो और अगर यू नो यहाँ अगर सर दर्द है yeah. या अगर कुछ एंड इट्स सैड कि हम अभी भी फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में भी एक पैट्रियार्कल सेटअप में पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हैं mm -hmm. Uh, जहाँ पे आई फील कि जैसे सर ने कहा कि इट्स ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट यू नो अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं mm -hmm. और आप उनके लिए केयर करते mm -hmm. हैं तो आप उनकी हेल्थ के लिए भी केयर mm -hmm. करेंगे एंड देर आर नॉट द मिसकनसैप्शन इवन अबाउट मैन थिंकिंग कि यू you नो know, uh, uh, कि इसमें तो कोई मर्दानगी नहीं है इफ़ यू यूज़ अ कॉन्म और बट बट दिज आर ऑल मिसकैप्शंस एंड ये वी होप कि थ्रू द फिल्म इनके uh,

Uh, कर रहे हैं आई थिंक द ब्यूटी ऑफ ओ टी टी इज दैट आप uh, लंबी कहानियाँ लॉन्ग फॉर्मैट mm -hmm. स्टोरीज सीरीज और या समटाइम्स फिल्म लाइक छतरी वाली यू नो आई फील जी फाइव से बेटर हमको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता था बिकॉज जैसे हमने टीयर टू टीयर थ्री की बात mm -hmm. करी द रीच दैट जी फाइव हैज़ इन दैट सेक्टर जहाँ पर रियली uh, really ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना mm -hmm. जरूरी है सो यू नो आई थिंक इट्स ब्यूटिफली को एक्ग्जिस्टिंग बट ऑनेस्टली आई फील कि uh, जब एक फिल्म थिएटर में रिलीज़ होती है uh, तो जो विंडो है mm -hmm. जिसमें वो फिल्म बाद में ओ टी टी पे आती है मे बी दैट कैन बी अ लिटल मोर इफ नॉट वे मो बट या दैट्स जस्ट वन साइड ऑफ इट अदरवाइज आई थिंक इज ब्यूटिफुली आप इस्पेस में ज़्यादा काम करना चाहेंगे क्या ज़्यादा मतलब मैं हर स्पेस में काम करना चाहूँगी इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेंट दैट्स कमिंग टू मी बट ऑफकोर्स अगर मुझे कोई एक अमेजिंग uh, स्टोरी मिलती hmm. है जैसे कि ये hmm. या फिर कोई एक शो uh, मिलता hmm. है विच इज़ पाथ ब्रेकिंग कम्प्लीटली आई लव टू डू इट ओके okay. आखिरी सवाल आपसे स्टाइल के बारे में मैं पूछूंगा क्योंकि आप जितना अभिनय के लिए जाने जानी जाती है, उतना आपके स्टाइल स्टेटमेंट सोशल मीडिया ने देखा की आप बहुत स्टाइलिश लग रही थी और बड़े खुशहाली से आपने न्यू ईयर बनाया बट वॉट इज यल स्टाइल अगर मैं आपसे पूछू रकुल्रीत का स्टाइल स्टेटमेंट क्या है कम्फर्ट माई पर्सनल स्टाइल इज ऑलवेज कम्फर्ट मैं ऐसा कभी भी ड्रेसअप नहीं हो सकती जिसको मैं संभाल ना पा रही हूँ या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हाई हील्स पहनी है जो मुझसे नहीं मैनेज हो रही सो आई फील ओनली इफ यू आर कम्फर्टेबल इन वॉट यूर वेयरिंग विल यू लुक स्टाइलिश और अगर मैं ऑफ ड्यूटी हूँ तो मेरा आई थिंक स्टाइलेंज ही नहीं है आई बीन अ डेनिम टी शर्ट और शार्ट एंड टी शर्ट एंड स्निकर्स एंड दैट्स इट वेरी बेसिक चलिए कीप द स्टाइल अप बट आल्सो कीप द ग्रेट वर्क अप जैसे you. मैंने आपको पहले का uh, छतरी वाली बहुत जल्द आ रही है Z5 पे तो जरूर उसका लुत्फ उठाइए और जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए थैंक यू सो मच फॉर जॉइंग थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच